पिंड की छाया दूसरे खगोलीय पिंड के ऊपर गिरती है तो इसे हम ग्रहण कहते हैं। ग्रहण दो तरह का है, एक सूर्य ग्रहण होता है और एक चंद्र ग्रहण होता है। तो जो हमारे ये मोबाइल की टॉर्च है कुछ देर के लिए इसको हम सूरज मान लेते हैं और इधर की तरफ है वो, और ये वो पृथ्वी है जिस पर हम लोग बैठे हुए। ये पृथ्वी लगातार सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है और अपनी धुरी पर भी घूमती है। ये ऐसे भी घूमती है और सूरज के ऐसे चारों ओर चक्कर भी लगाती है। जरा सोच के देखो हम लोग कितने तसल्ली से इत्मीनान से यहाँ बैठे हुए हैं और जिस पर बैठे हैं वो जो हमारा पहाड़ है वो लगातार घूम रहा है। तो अगर जरा सोचे हम लोग कि थोड़ा भी इधर उधर हो तो क्या होगा, कोई नहीं बचेगा। तो एक यहाँ से हम मोरल भी ले सकते हैं कि हमें आपस में कभी भी झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, हमेशा ये सोच के रखना चाहिए जिस पर हम बैठे हैं वो लगातार घूम रही है। अगर प्रकृति ने या भगवान ने थोड़ा भी डिसबैलेंस किया सारा गड़बड़ हो जाए। तो ये हम लोग यहाँ से मोरल ले सकते हैं। आप देखिए क्या है, ये हमारी अर्थ है और इसको हम मून मान लेते हैं कुछ देर के लिए, राइट। ये अर्थ है, यहाँ पे सामने सन है, ये जो मून है वो अर्थ के चारों ओर ऐसे चक्कर लगा रहा है, राइट, ऐसे सर्कुलर पाथ में ऐसे। तो जब ये मून ऐसे घूमते 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 इधर आ गया ऐसे, अब इधर क्या है सन, जैसे ही यहाँ पर आएगा तो जो सूरज की किरणें हैं, और हम लोग कहाँ पर हैं, पृथ्वी पर, इस जगह पर, तो ये जो किरणें हैं ये मून रोक लेगा। जब रोक लेगा हम इसको यहाँ से देखेंगे तो ऐसा लगेगा जब किरणें ही नहीं आएंगी तो यहाँ पर अंधेरा लगेगा, और वही घटना इस समय हो रही। तो हमारे समाज में अभी भी अंधविश्वास है कि सूर्य ग्रहण को देखना नहीं चाहिए, सूर्य ग्रहण के समय पूजा पाठ नहीं करना चाहिए, खाना वगैरह नहीं बनाना चाहिए या और भी कोई शुभ काम है वो नहीं करना चाहिए, जबकि ये सिर्फ अंधविश्वास है। और ये भी कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय बहुत ही हानिकारक किरणें सूर्य से निकलती है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। विज्ञान जो है वो बहुत आगे आ चुका है। अगर आपसे ये कहा जाए कि आप नग्न आंखों से सूरज को देखिए तो आप नॉर्मल डेज में दोपहर में या कभी भी आप उसको नहीं देख सकते, दो चार सेकंड देखेंगे फिर आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, आप नीचे कर लेंगे। तो सूर्य ग्रहण में भी ऐसे ही है, जब सूर्य ग्रहण हो रहा है उस समय भी बस क्या है कि चंद्रमा ने थोड़ा सा हिस्सा उसका ढक लिया है, बाकी जो अव्यक्त विकिरण परावैंगी विकिरण जो नॉर्मल डेज में आ रहे थे वो भी अभी भी आ रहे हैं। हाँ, होता क्या है कि जब वो बहुत पोर्शन उसका ढक लेता है तो पृथ्वी पर अंधेरा छा जाता है, तो लोग सोचते हैं अरे ये तो अंधेरा हो गया है, अब उजाला नहीं है तो आराम से देख सकते हैं। तो जैसे उसको देख रहे होते हैं नग्न आंखों से, तो अचानक जब वो दूसरी तरफ क्रॉस करता है तो दूसरी साइड से जो सूरज की किरणें हैं वो अचानक प्रकट हो जाती है। जैसे ही अचानक प्रकट होगी आप पहले अंधेरे को देख रहे हैं, आपके आंख की जो पुतली है वो फैली हुई है, ये आप सब लोग समझ रहे हैं, अंधेरे में हमारी आंख की जो पुतली है वो फैल जाती है। तो जब मून सामने है अंधेरा है तो फैली हुई आराम से देख रहे हैं और आप देखते जा रहे हैं देखते जा रहे हैं, अचानक क्या होगा इस कोने से किरणें झपाक से ऐसे गिरे और आपकी पुतली फैली हुई है तो पूरी किरण आपकी आंख में चली जाएगी, आपकी आंख डैमेज हो गई। तो कभी भी सूर्य ग्रहण को नग्न आंखों से नहीं देखना चाहिए। अब सूर्य ग्रहण को कैसे हम देख सकते हैं सेफली, सबसे सेफ ये होता है, ये है हमारे पास सोलर चश्मा, सोलर गॉगल। इसमें जो ये कागज लगा हुआ है ये तो यही इंडिया में इसको बनाया गया है, जो इसमें ये फिल्म लगी हुई है ये फिल्टर है, राइट। ये फिल्टर इंडिया में नहीं बनता, ये जर्मनी से इम्पोर्टेड है, अगर आप ये बीच में देख पा रहे होंगे गांधी जैसा कुछ दिख रहा है आपको, ये सोलर फिल्टर है। तो जब इसको लगाकर हम देखते हैं तो जैसे इसको हमने लगाया, इसको लगाने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप अपनी निगाह को नीचे करेंगे, इस चश्मा को ऐसे लगा देंगे, इसको लगाए हुए फिर आप सूरज की तरफ ऐसे उसको आप 5 सेकंड तक देखेंगे, केवल आपको इसको लगाते हुए भी 5 सेकंड तक देखना है और फिर अपने चेहरे और चश्मा को वहीं नहीं हटाएंगे, फिर आप अपने चेहरे को नीचे करेंगे और ऐसे हटा देंगे। ये सेफ तरीका होता है, 5 सेकंड से ज्यादा इससे भी नहीं देखना है। अच्छा, इसमें होता क्या है, ये जो इसमें फिल्टर लगा हुआ है
ये सूरज की जो इंटेंसिटी है उसको 1,00,000 गुना 1,00,000 टाइम्स डिक्रीज कर देता है। इसलिए हमको जब इसको लगा के देखते हैं तो हमें जो सन है वो मून जैसा ठंडा लगता है, क्योंकि इंटेंसिटी उसकी वो कम कर देता है। दूसरा क्या है, दूसरा सेफ तरीका ये है, ये है हमारे पास बॉल मिरर। इसको हमने कैसे बनाया, एक ये खिलौना हमने बॉल ले ली उसमें, और ये जो झालर वगैरह में जहाँ डेकोरेशन में छोटे ये जो मिरर होते हैं ये यूज होते हैं, आप सब लोग जानते हो, वहां से हमने ये मिरर शीशा लिया है। इसमें पीछे लगाया है हमने डबल स्टिकी टेप, वहां चिपका दिया और इसमें यहाँ पे ऐसे उसको चिपका दिया, राइट। अब इसको हम सन के सामने करेंगे तो सन की जो इसमें रेज आएंगी इससे क्या होगा, रिफ्लेक्शन होगा, तो सामने किसी पर्दे पर वो हम उसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं, गोल गोल वहां व्हाइट डब्बा बनेगा, उसमें आप बड़े आराम से देख सकते हैं। अब क्योंकि सनलाइट इसमें कहीं पर नहीं है इस प्रांगण में तो ये हम नहीं दर्शा सकते हैं इसको, तो सामने आप ऐसे करेंगे और वो दिखेगा आपको। तीसरा जो तरीका है, आपने देखा होगा जब दोपहर के समय जो सन है हमारे सर के ऊपर होता है तो आप किसी पेड़ के नीचे जाओ, तो आपने पेड़ के नीचे क्या देखा है, आप में से कोई बताएगा, पेड़ के नीचे अगर सन बहुत ऊपर है सामने और पेड़ के नीचे आप खड़े हैं तो आपको जमीन में क्या क्या दिखेगा, हाँ शैडोज, और उसके अलावा हाँ क्या दिखेगा, ओके जमीन पर जो दिखेगा उसका शेप कैसा होगा, वेरी करेक्ट, आपने बिल्कुल सही बताया। तो इसमें पेड़ की पत्तियों के बीच में आप ध्यान से देखिए जगह है, तो ये हमारे लिए जो जगह है ये पिन होल कैमरा का काम करेगी, पिन होल कैमरा, वहां से सूरज की किरणें जब नीचे निकल कर आएंगी तो आपने ये जरूर देखा होगा कि बहुत सारे आपको गोल गोल वाइट वाइट धब्बे दिखते हैं, है ना, लाइट के गोल सर्कुलर स्पॉट दिखते हैं, तो उसमें भी आप सेफली जैसे जैसे मून की उसमें ब्लैक छाया पड़ेगी वो आपको दिखेगा। जो चौथा तरीका है सेफली उसको देखने का, सूर्य ग्रहण को देखने का, वो जो वेल्डिंग करते हैं लोग, वेल्डिंग, उनके पास ऐसा एक शीशा जैसा होता है उसका नंबर है 14 नंबर, जो वेल्डर लोग 14 नंबर का शीशा यूज करते हैं, अगर वो अवेलेबल है तो उससे भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लोग पानी से जब परावर्तित होके इसकी वो इमेज आती है उसमें देखते हैं, वो खतरनाक है, कभी भी रिफ्लेक्शन पानी से हो रहा है उसको आप देख रहे हैं आपकी आंखें डैमेज हो जाएंगी, उसे कतई ना देखें। इसके अलावा लोग वो लगाते हैं एक्सरे, जो फिल्म होती है एक्सरे फिल्म से देखते हैं, वो भी बहुत सेफ नहीं है, उससे अगर आप बहुत देर तक देखेंगे तो भी आपकी आंखें डैमेज हो सकती है। तो ये बहुत सारे तरीके हैं, और ये जो घटना है ये खगोलीय घटना है, नेचुरल घटना है, इसको सभी लोग देख सकते हैं। अंत में मैं यही कहना चाहूंगा, कबीर की तरह तू चल चूके ना निशाना, तो लक्ष्य तेरा सामने है जीत के है आना। नमस्कार, अभी जो ये रॉकेट का प्रोग्राम है ये भी आपको दिखाया जाएगा, सर को आमंत्रित करते हैं आगे की कार्रवाई के।